जो आकांक्षा केस में बड़ी सबसे बड़ी खबर है वो खबर है जिसका हम सबको इंतजार था। जी हाँ, पापी समर सिंह जो अब तक ढीठ बना हुआ है, कुछ भी सच नहीं उगल रहा, उससे सच उगलवाने का प्लान तैयार हो चुका है। जी हाँ, अब समर सिंह आकांक्षा से जुड़ा सारा सच कबूलेगा, जिसके लिए पुलिस प्लान भी तैयार कर चुकी है। लगातार मामले में पुलिस पर उठ रहे सवालों के चलते खबर आ रही है कि अब समर सिंह से सच उगलवाने के लिए पुलिस पहले प्लान ए अपनाएगी, और अगर प्लान ए ढीठ समर सिंह पर काम नहीं करता तो खतरनाक प्लान बी की भी तैयारी है, जिसके लिए ऊपर से योगी सरकार के भी ऑर्डर आ चुका है। तो आखिर कैसे 25 की रात का सच उगलेगा समर सिंह? क्या है पुलिस का प्लान ए? और अगर फेल होता है प्लान ए तो क्या है प्लान बी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बने, इस मुहिम का हिस्सा बने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस 5 दिन की रिमांड में उससे काफी पूछताछ कर चुकी है, मगर एक पॉइंट से आगे वो सच नहीं उगल रहा, एक पॉइंट से आगे वो बढ़ नहीं रहा। जी हाँ, उसने ये तो किसी तरह कबूल कर लिया है कि आकांक्षा के साथ उसका रिश्ता था, वो लिव इन में भी थे, मगर ये बात वो हरगिज मानने को तैयार नहीं कि वो आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था, या उसकी पेमेंट नहीं देता था, या 25 की रात आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका हाथ शामिल था। और इस रिमांड के बाद जब आकांक्षा खुद आ गई समर सिंह का सच बताने उस वीडियो के जरिए, तब इस केस में भूचाल आ गया, क्योंकि आकांक्षा की माँ, फैंस सब एक ही बात करने लगे कि अब इंसाफ में इतनी देरी क्यों, जब आकांक्षा खुद आकर ये गवाही दे चुकी है कि उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार पापी समर सिंह ही होगा। तो अब भी यूपी सरकार, यूपी पुलिस क्यों इस केस में इतनी ढिलाई बरत रही है? क्योंकि समर सिंह के खिलाफ इतना बड़ा एविडेंस होने के बावजूद उस पर आरोप तय कर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की जा रही? तो ऐसे में बढ़ते प्रेशर के चलते पुलिस ने समर सिंह के लिए 2 प्लान तैयार कर लिए हैं, जिसके तहत उम्मीद जताई जा रही है कि अब समर सिंह हर हालत में बोलेगा, सारा सच उगलेगा। जी हाँ, सूत्रों के माने तो प्लान ए के तहत अब पुलिस दोबारा समर सिंह की रिमांड लेगी, और इस बार उस वीडियो को सबसे बड़े सबूत के तौर पर रखते हुए समर सिंह से पूछताछ होगी, क्योंकि पिछली पूछताछ में ये वीडियो समर सिंह की रिमांड पूरी होने के बाद सामने आया था। ऐसे में अब जब पुलिस के पास खुद आकांक्षा की गवाही है तो पुलिस उसे ही आधार बनाते हुए समर सिंह से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। उससे पूछा जाएगा कि समर सिंह इस वीडियो के बारे में क्या जानता है, आकांक्षा ने ये वीडियो किन हालात में बनाया था, ऐसे कौन से हालात समर सिंह ने उसके लिए बना दिए थे कि आकांक्षा रोते हुए वो वीडियो बना रही है और साफ साफ उसका नाम ले रही है। आखिर दोनों के बीच की वो कौन सी घटना थी जिसके बाद आकांक्षा ने ये वीडियो बनाया? तो ये सारे सवाल इस बार समर सिंह से होंगे। और अगर सीधे तरीके से समर सिंह सब सच सच नहीं बताता तो पुलिस इस बार समर सिंह पर 3rd degree भी इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस बार समर सिंह से सच उगलवाने के लिए पुलिस 3rd degree का इस्तेमाल भी कर सकती है, क्योंकि इस वक्त पुलिस भी बेहद प्रेशर में है। और समर सिंह सीधे तरीके से सच नहीं बताता तो पुलिस अब उंगली टेढ़ी करने की तैयारी कर चुकी है, और यही है पुलिस का प्लान ए। अब हम सब जानते हैं कि 3rd degree में किस तरह आरोपी से सच उगलवाया जाता है, और बड़े बड़े धुरंधर आरोपी भी 3rd degree में किस तरह टूटकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि पापी समर सिंह भी इस सख्ती के आगे टूटकर सब कुछ सच सच बता ही देगा। और अगर इनके इस 3rd degree के बाद भी मोटी चमड़ी वाला समर सिंह सच नहीं उगलता तो पुलिस अपने अगले प्लान यानी कि प्लान बी की तरफ भी जा सकती है, जिसमें सारा सच बाहर आना तय है, दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। जी हाँ, पुलिस के प्लान बी में समर सिंह का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी है, और नार्को टेस्ट में बड़े बड़े आरोपी उस हाफ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में सच उगल ही देते हैं। तो अगर ढीठ समर सिंह 3rd degree में भी सच नहीं उगलता तो नार्को टेस्ट में तो हर हाल में सच उगलेगा ही उगलेगा, अपने सारे पाप कबूलेगा, और आकांक्षा को हर हाल में न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, समर सिंह पर पहले कौन सा प्लान एक्सिक्यूट होना चाहिए, प्लान ए या प्लान बी? आपको किस प्लान में उसके सच उगलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, कमेंट में जरूर बताएं, और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। जी हाँ, दरअसल खबरें आ रही हैं कि आकांक्षा मामले में 3रा CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें वो सब दिख गया है कि अब आकांक्षा को इंसाफ मिलना तय हो गया है। जी हाँ, आकांक्षा मामले में होटल पार्टी वाले CCTV फुटेज के अलावा एक और CCTV क्लिप सामने आया है, जिसमें सब कुछ दिख गया है। तो आखिर कैसे और कहां से आया है ये फुटेज, क्या दिखाई दे रहा है इस CCTV फुटेज में, और अब आगे क्या होगा आकांक्षा केस में, आपको दिखाते हैं बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें।
चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों कि आकांक्षा मामले में अब तक 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। एक जिसमें आकांक्षा को संदीप सिंह के साथ देखा जा सकता है, तो वहीं दूसरा फुटेज आकांक्षा की उस रात की पार्टी का है जिसमें आकांक्षा को एकदम रिलैक्स्ड मूड में डांस करते देखा जा सकता है। अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो इन 2 सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस के हाथों एक और फुटेज लग चुका है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 लोग आकांक्षा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और घुसते ही अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। वहीं तकरीबन 47 मिनट के बाद ये दोनों शख्स घबराते हुए कमरे से बाहर निकले, दरवाजा लॉक किया और चले गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हालांकि ये दावा हम नहीं कर रहे, ना ही हम इस दावे की पुष्टि करते हैं, मगर सोशल मीडिया में ये चर्चा गर्म है कि अंदर खाने पुलिस के हाथों आकांक्षा केस में तीसरा सीसीटीवी फुटेज भी लग चुका है जिसमें आकांक्षा के दोषियों को साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों ही शख्सों ने चेहरे पर मंकी कैप लगाया हुआ है जिससे कि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज ये साफ साफ दिखा रही है कि वो वहाँ इसी घटना को अंजाम देने आए हैं, और जिस तरह वो ताला खोलकर आकांक्षा के कमरे में घुसे और फिर 47 मिनट बाद घबराए हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर निकले, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों ने ही आकांक्षा के कमरे में जाकर उस वारदात को अंजाम दिया और फिर बाहर से दरवाजा लॉक कर निकल गए। अब अगर वाकई पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मिला है तो फिर तो ये कन्फर्म है कि आकांक्षा के साथ उस रात अंधेर हुआ। उस बेचारी लड़की ने खुद कुछ नहीं किया बल्कि उसे जबरन इस दुनिया से बेरहमी से भेज दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि आकांक्षा ने खुद ही अपनी जान ले ली। अगर वाकई ये खबर सच है तो सवाल उठता है कि मंकी मास्क में वो 2 शख्स आखिर कौन हो सकते हैं? क्या उनमें समर सिंह भी हो सकता है, या फिर वो समर सिंह द्वारा प्लांटेड शख्स थे, या फिर इनमें एक संदीप सिंह और दूसरा उसका साथी? क्योंकि हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि आकांक्षा के कमरे की चाबी गायब थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं संदीप सिंह ही वो शख्स तो नहीं जो चाबी चुरा कर ले गया हो और फिर कुछ देर बाद अपने किसी साथी के साथ देर रात इस तरह आकांक्षा के कमरे में घुसकर उस घटना को अंजाम देकर निकल गया हो। अब अगर ये सब सच है तो ये सारा कांड होटल स्टाफ की सांठ गांठ के बिना मुमकिन नहीं, और ये शक तब और गहरा जाता है जब होटल कहता है कि उनके पास आकांक्षा के स्टे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है। आपको बता दें कि पहले वाला फुटेज भी होटल ने जारी नहीं किया था बल्कि किसी और सोर्स से ये फुटेज बाहर आ गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी यही हुआ हो, किसी और सोर्स से ये फुटेज भी बाहर आ गया हो? और अगर ऐसा है तो फिर तो पुलिस के पास अब वो पुख्ता सबूत हाथ लग चुका है जो आकांक्षा को इंसाफ दिला सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि पुलिस की जांच और कार्रवाई पर अब न मधु दुबे को भरोसा रहा है और न ही फैंस को, क्योंकि शुरू से पुलिस इस केस में कई बातें छिपाती आई है जिसमें से ये बात भी शामिल है कि कमरे की जांच के दौरान पुलिस को आकांक्षा के कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स मिले थे, तो कहीं वो फुटप्रिंट्स इन्हीं 2 लोगों के तो नहीं थे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई पुलिस को ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला होगा या ये सिर्फ अफवाह है, या पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद होते हुए भी सब कुछ छिपाया जा रहा है, जुटलाया जा रहा है ताकि गुनहगारों को बचाया जा सके? और अगर ऐसा फुटेज मिला है तो आखिर वो 2 शख्स कौन हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।